हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और अभी हम लोग फोकस करेंगे बेसिकली एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ देखोगे आपको पता ही होगा परसेंटेज मीन्स क्या होगा। अब मान लेते हैं सपोज़ ये एक्स परसेंट है, ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल है, आपको पता है। तो इस परसेंटेज को अगर रिप्लेस करोगे यानी हटाओगे तो क्या होगा, नीचे कितने से इंटू करना होगा, हमेशा याद रखोगे 100 से। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सपोज कोई एक नंबर है 2/5, इसको परसेंटेज में लाना है तो फिर कितने से इंटू करना होगा, 100 से, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग अब ये परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन ही है, एसएससी के एग्जाम्स में सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, और ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कैसे हम लोग विद इन सेकेंड इसको निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 80% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ एक्स परसेंट ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखोगे अब ये जो ये इक्वल है ना, ये 80% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करके यहाँ से ए और बी का हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखोगे, अब ये परसेंटेज जब इसको हटाओगे, यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, नीचे तो 100 आएगा, तो दोनों साइड क्या है, ये बीच में इक्वल है तो दोनों साइड क्या है, अब ये इंटू ही होगा ना, कि एक साइड से एक साइड लेकर जाओगे। तो अब डायरेक्ट यहाँ तो परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट जीरो से जीरो को भी कैंसिल कर सकते हो, बट मैं करके दिखा देता हूँ, आगे क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इस परसेंटेज को आप हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ऑफ ए मीन्स इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू 50% मीन्स 50/100 इंटू बी। अब ये देखो कैंसिल हो गया है ना, अब ये जीरो से जीरो भी कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो डिवाइड ही होगा। सो ए बाई बी आपको क्या मिला, यहाँ है 5 और ये 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब ये देखोगे ए का वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे 5 को और बी के लिए एज्यूम करेंगे 8 को, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बी इज इक्वल्स टू एक्स परसेंट ऑफ ए, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो अब देखोगे अब ये जो बी है तो बी का वैल्यू कितना है, 8 है ना, तो ये 8 दैट इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स परसेंट है तो परसेंटेज को हटाओगे तो फिर कितना नीचे, 100 ऑफ ए, ए मीन्स 5, सो ये हो गया आपका 5। अच्छा अब देखोगे ये हो गया ऊपर 5, नीचे है 100, कैंसिल कर सकते हो कितनी बार में, 20 बार में। अब ये जो नीचे का 20 है, अब इस साइड जब लेकर जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा, सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई है ना। तो 8 टू जा कितना हो गया, 60, और ये एक जीरो, सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, 160, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, ठीक है। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये जो दिया हुआ है x इज 80% ऑफ y, तो यहाँ से आप x और y का पहले हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये 80% को हटाओगे तो नीचे 100 एंड देन y, सो ये 0 से 0 गया, और छोटा कर सकते हो 2 से करे 4, ये गया 5, सो x बाई वाई आपको मिला ऊपर 4 नीचे 5, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स यानी एक्स को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे है ना, तो वाई बाई एक्स और इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज कितने में होता है दोस्तों, 100%, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, नीचे वाला नीचे यानी 5 लेंगे हम लोग, सो 5 डिवाइड बाई एक्स से नीचे, तो एक्स का कितना है, 4 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में, ये गया 25 बार में,
25 4 जो आपका 100 होगा, ठीक है। और 25 को 5 से इंटू कर दो तो दोस्तों क्या होगा, ये 125%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 125%, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने अभी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद फिर हम लोग सेट को भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ बोला है कि इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो अब सबसे पहले तो यहाँ देखोगे 120 जो है इज, तो जैसे एसएससी में ये फायदा होता है कि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट वन स्टेप बाय वन स्टेप करोगे तो आंसर को आप आराम से निकाल सकते हो, बस आपको क्या है कि प्रोसेस को जानना होगा, ठीक है। तो ऑफ ए नंबर, तो नंबर तो आपको पता नहीं है, तो नंबर को हम लोग ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो 120 ये हो गया इज, दैट इज इक्वल्स 20%, यानी 20% इसको हटाओगे तो फिर नीचे कितना 100 ऑफ अ नंबर दैट इज इनटू एक्स, ठीक है। तो अब ये देखोगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, इसको टू से इसको फाइव ही कर देते हैं, चलो। तो ये फिर इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 12 5 60, यानी x आपको मिला 600, 12 5 60 और ये एक जीरो, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देन जब नंबर आप फाइंड कर लिए तो देन 120% ऑफ दैट नंबर। अब इस नंबर का 120% अगेन आपको निकालना है, तो ठीक है, इनटू 120% को फिर हटाओगे तो फिर नीचे क्या होगा 100, और ये दो जीरो कैंसिल करते हैं तो 12 6 72 और ये एक जीरो, यानी आंसर क्या मिला दोस्तों 720, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ एक्स इज लेस देन वाई, एक्स जो है वो लेस है किससे, वाई से, वाई कितना प्रतिशत 25%, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है कि देन y एक्सीड्स, मीन्स ज़्यादा हो गया, y कितना ज़्यादा है किससे, x से y। अभी ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, अब ये सारे ऑप्शंस परसेंटेज में है, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि y x से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो याद रखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो x लेस है किससे, y से परसेंट में, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ कर देते हैं ये x, और ये हो गया आपका y। तो x डिपेंड है किस पे, y पे, कितना प्रतिशत 25% कम है, तो y को ले लेते हैं 100। तो अब ये 100 जो एज्यूम करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है कि अब ये डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है ना 25%, या कुछ और भी दे दे, पॉइंट में भी दे दे, जैसे हो गया 12.5%, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जब इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 में तो सेम ही आएगा ना, तो अब ये 25 भी होगा। तो अब ये बोल कह रहा है कि x जो है लेस है 25% y से, तो y अगर 100 है तो x 25% निकालोगे तो 25 भी होगा, माइनस कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 75, ठीक है। अब देखोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन y x, तो y कितना ज़्यादा है, तो ये देखोगे ये कितना ज़्यादा है, 25 ही ज़्यादा है ना, है कि नहीं, 25 ही ज़्यादा है ना, इससे y कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो ये 25 ज़्यादा है, बट पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, y किससे पूछ रहा है, y x से ना, तो x कितना है 75, तो नीचे रखोगे 75 एंड देन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज, यानी y जो है x से इतना प्रतिशत ज़्यादा है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये गया आपका 3 बार में, तो आंसर आया आपका 100/3% ज़्यादा है। तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 33/1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33/1/3।
जो कि ऑप्शन नंबर है, ये जो था इस क्वेश्चन का आंसर था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यानी यहाँ पे फाइव है। तो अब देखोगे इफ पी परसेंट ऑफ पी इज 36, तो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे दिया रहता है वैसे हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को पहले हटाओगे दोस्तों, तो पी बाई ये हो गया 100, ऑफ मीन्स इंटू पी इज मीन्स इक्वल हो गया ये 36, जैसे दिया हुआ था वैसे हम लोग कर लिए। अब पूछ रहा है कि देन पी इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहीं से सॉल्व करेंगे। तो ये देखोगे, अब ये पी इंटू पी क्या होगा दोस्तों, पता ही होगा आपको, पी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब ये 100 उठ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 36 इंटू 100। तो यहाँ देखोगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या स्क्वायर है ना, तो इसको भी क्या करना है, राइट हैंड साइड हमें स्क्वायर बनाना है। तो ये तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होगा, और ये भी पता है कि आपको 10 का स्क्वायर होगा। तो ये कितने का स्क्वायर हो गया, 60 का स्क्वायर हो गया। तो P इज इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों, 60। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी 60। तो ये हो गया आपका P का वैल्यू 60। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ बोल रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 2 जो है अब 50 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 2 बाई 50 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये 50 से ये 100 गया दो बार में, 2 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n, यानी 10% ऑफ m ये दिया हुआ है कि 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n। ठीक है, देन आपसे पूछ कह रहा है कि रेशियो में m इज टू n इज इक्वल्स टू, इजी क्वेश्चन है। तो ये परसेंटेज, परसेंटेज मैंने बताया था डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये जीरो से जीरो भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही होगा। तो आपसे पूछ रहा है m इज टू n, तो m इज टू n मीन्स दोस्तों होता है m बाई n। ठीक है ना, तो m और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो गया m बाई n इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस में कितना, 2, यानी ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या बचा 1, तो इस साइड लेकर जाओगे तो क्या होगा 2 बाई 1, यानी रेशियो क्या मिला 2:1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी, तो पूछ रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए, यानी बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो आपका रिलेशन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस रिलेशन को हम लोग ब्रेक करके परसेंटेज को हटा के वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच रिलेशन को फाइंड करेंगे, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं फिर यहाँ पे। तो अब देखोगे 15% ऑफ, तो डायरेक्ट अब ये देखोगे ऑफ है, ये ब्रैकेट में है इनटू है, अगेन ऑफ इनटू, ये भी ब्रैकेट में इनटू है, तो ये परसेंटेज कैंसिल, 5 से कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट 5 से कैंसिल करेंगे यहीं पे, 5 जा, और ये हो गया 5 से गया 15 3 बार, है ना। तो अब आपको मिला क्या, 3 इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए माइनस बी। अब देखोगे, अब ये ए 5 है और ये 3 है, इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2 है, तो हम लोग आगे लिख लेते हैं इसको 2 है दैट इज इक्वल्स टू। अब ये माइनस 5 बी, इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या है b,
थ्री बी, तो 5 और 3 कितना 8, तो ये हो गया 8b। फिर 2 से कैंसिल कर देते 8 को 4 बार, तो दोस्तों a बाई बी आपको मिला 4 बाई, अब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 है, ये हो गया आपका 4/1, यानी a का वैल्यू एज्यूम करेंगे 4 और b का एज्यूम करेंगे 1। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ b, तो देन व्हाट परसेंटेज यानी b का प्रतिशत, तो आप याद रखोगे कि b को कहाँ रखना है, नीचे। किससे पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू a, तो a को ऊपर एंड देन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, अब देखोगे ये 4 यहाँ रखेंगे, बी 1 है इंटू 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों 1 से तो नीचे सेम ही होगा, तो 4 इंटू 100 करोगे तो 400%। ऐसे भी बोल सकते हो, निकाल के भी दिखा सकते हो, अब डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकते हो ये 4 है ये 1 है तो ये कितना होगा 400% ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400%, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दिया हुआ ए 50% ऑफ पी दैट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, और यहाँ से पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये वाला रिलेशन में एक्स है और इस एक्स का वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका एक वेरिएबल दिख रहा है पी और क्यू, इसका वैल्यू चाहिए, कहाँ से निकालेंगे, तो ये एक और गिवन दिया हुआ ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस, ये देखोगे आप, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, क्योंकि इंटू है, बीच में इक्वल है, डिवाइड होगा तो कैंसिल, बचा क्या, अब यहाँ पे 50, यहाँ 25, तो 25 से भी 50 कितने बार में, दो बार में, है ना। तो P, अब देखो 2P मिला इज इक्वल्स टू क्यू, है ना, 2P इज इक्वल्स टू क्यू। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अभी डायरेक्ट Q का वैल्यू, यानी Q जो है यहाँ पे डायरेक्ट 2P भी रख सकते हो, क्योंकि PP कैंसिल ही हो जाएगा, यही करते हैं। ये हो गया P दैट इज इक्वल्स टू X, परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 एंड देन इंटू ये Q 2P, ये हो गया 2 इंटू पी। अब देखोगे ये P, ये P कैंसिल, 2 से गया ये कितने बार में, 50 बार में, है ना। तो अब ये इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 50 दैट इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों 50, है ना। ठीक है, तो ये पूछ रहा था आपसे फाइंड x दैट x इज इक्वल्स टू 50, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया हुआ कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। तो अब यहाँ बोल रहा है कि 18% ऑफ कौन सा नंबर होगा जिसके बराबर होगा कितना 12% ऑफ 75 के बराबर। ठीक है, तो आपको नंबर तो नहीं पता, तो हम ले लेते हैं नंबर को x, तो 18% ऑफ नंबर x इज इक्वल्स टू 12%, यानी परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे आ गया 100 ऑफ मीन्स इंटू एंड देन 75। ठीक, अब देखोगे इस परसेंटेज को भी हटाओगे तो दोस्तों नीचे कितना आएगा 100 ही आएगा, तो ये 100 ये 100 कैंसिल, ये परसेंटेज परसेंटेज डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, चलो ठीक है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद अब देखोगे अब ये 18 कहाँ जाएगा दोस्तों, इसके नीचे ही आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 12 इंटू 75 डिवाइड बाई 18, ये 18 यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये गया 6 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, ये क्या आएगा आपका 25 3 जा 75 ना, ठीक है। एंड देन उसके बाद 25 को 2 से इंटू कर देते हैं तो कितना होगा ये 50, तो नंबर क्या मिला दोस्तों 50, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 50, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, मीन्स दो नंबर का डिफरेंस
वो क्या है कि 15% ऑफ देयर उन दोनों नंबर के सम के बराबर है। तो आपको नंबर नहीं पता तो आप एक काम करो कि नंबर को x और y ले लेते हैं, तो x माइनस वाई डिफरेंस मीन्स माइनस हो गया ऑफ टू नंबर इज 15%, यानी परसेंटेज को भी हटा देते हैं तो नीचे आ गया 100। 15% ऑफ मीन्स इन टू देयर सम यानी x प्लस वाई, यही है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल जाएगा आपका, एक रिलेशन निकल जाएगा x और y का, यानी x बाई वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। तो अब यहाँ देखोगे दोस्तों, अब लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, तो ये लार्जर नंबर कौन है, x ही है ना, क्योंकि x माइनस वाई की हो तो बड़ा से छोटा माइनस किया हो, तो x क्या है, ये बड़ा है किससे, y से, ठीक है। तो लार्जर x हुआ, स्मॉलर हो गया y, क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो जाए तो ठीक है, चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 थ्री जा ये गया आपका 20, इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 20, ये होगा आपका 3, फिर इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 20 से 3 तो गया तो कितना हो गया 17x, ठीक है। अब देखोगे y पे ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस 3, तो माइनस 20 उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, साइन चेंज, तो ये हो गया 20 इधर, इधर 3, यानी 23y, सो x बाई वाई आपको मिला 23/17। तो अब देखोगे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था कि द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है दोस्तों, x है, टू द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो रेशियो क्या मिला, 23:17, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23:17, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ देखोगे, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ 60% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, देन आपसे पूछ कह रहा है कि ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे 60% ऑफ ए, तो 60 बाय, ये हो गया आपका 100 ए दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी मीन्स इंटू बी, ठीक है। तो अब जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर लेंगे, तो ये देखोगे ये जीरो से ये जीरो गया यहाँ देखोगे ये इक्वल है, ये डायरेक्ट ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, है ना, ये 3 से 6 गया, 3 2 जा 6, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5, यहाँ ए बचा यहाँ बी, तो हमें लाना क्या है रेशियो, यानी ए बाई बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ए बाई बी देट इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा कैंसिल होकर सिर्फ नीचे 5 है, तो इसको उस साइड लेकर जाओगे यानी बी के पास, यानी यहाँ होगा ऊपर 5, है ना, ये 5 यहाँ चला जाएगा और नीचे क्या है 4, बाकी तो और कुछ है नहीं, बाकी तो सारे कैंसिल हो गए, तो अब ये रेशियो हो गया 5:4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर है 5:4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देखोगे 120% ऑफ ए स्मॉल ए दैट इज इक्वल्स टू 80% ऑफ स्मॉल बी, और आपसे पूछ रहा है कि बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ए और बी ये इक्वल है तो इन दोनों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे, यानी ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है। तो निकालते हैं, तो यहाँ देखोगे ए परसेंटेज ये परसेंटेज कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 से गया 4 थ्री जा 12, 4 टू जा यानी हो गया 3a दैट इज इक्वल्स टू 2b, तो a बाई बी दोस्तों क्या मिला 2/3, तो a के लिए एज्यूम करेंगे 2 और b के लिए एज्यूम करेंगे 3। तो देखोगे यहाँ मैंने डायरेक्ट 2 और 3 को एज्यूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो फाइंड करना हो किस में है, रेशियो में है, तो रेशियो में जब भी अगर हो आपको जो फाइंड करना हो तो डायरेक्ट 2 और 3 जो भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पे उसको हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, अदरवाइज अगर रेशियो में ना हो तो फिर हम लोग के एज्यूम करते हैं या फिर एक्स एज्यूम करते हैं, वो अलग बात है, बट अगर क्वेश्चंस में अगर पूछे आपसे रेशियो में तो डायरेक्ट आप उसी वैल्यू को पुट कर दोगे, क्लियर। तो यहाँ ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3, तो ये दोनों को प्लस करना है, तो 2+3 हो गया आपका 5 और नीचे बी माइनस ए यानी बी हो गया 3, 3 से 2 माइनस करोगे तो हो गया 1, यानी हो गया आंसर 5, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों,
यहाँ दिया हुआ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, ईजी है, बट जैसे दिया हुआ है वैसे ही करेंगे हम लोग। 1% यानी नीचे 100, अगेन 1% 1/100, अगेन इंटू 25% यानी 25/100, ठीक है ना। 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3। नेक्स्ट ऑफ क्या दिया हुआ है, 1000 इंटू 100, 30, ठीक है। तो देखोगे ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि इसको कैंसिल मत करना, कैंसिल करोगे तो क्या होगा कि फिर आपको डिवाइड करना होगा। तो नीचे जितने भी जीरो रहें, अगर वन है उसके बाद अगर जितने भी जीरो रहें तो बेनिफिट क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 25 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो 25 ही आएगा ऊपर, और नीचे कितना जीरो, इधर 2 0 एक एक, ये 3 0। तो करना क्या है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो ये हो गया 25, और एक चाहिए नहीं है, 0 यहाँ बैठाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट बैठा के यहाँ 0 बैठा दो, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.025, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ दिया हुआ इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी, देन ए बी सी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये परसेंटेज ऐसा नहीं करोगे कि ये परसेंटेज कैंसिल कर दोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर तीनों के लिए लेंगे हम लोग तो तीनों में कॉमन होना पड़ेगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको, अब 20% है तो 20/100 एंड देन ए इज इक्वल्स टू ये 30/100, बी इज इक्वल्स टू सी बाई 6, ठीक है। तो अब ये कैंसिल करेंगे तो यहीं पे कैंसिल करेंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो आपको मिला क्या, ए बाई 5, अच्छा बी बाई, जब भी याद रखोगे आप, ये है ना ए, अब ये ए के नीचे है ना 5 डिनोमेटर पार्ट, अगर ये न्यूमरेटर यानी ऊपर भी अगर हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे लेकर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 3 है तो इसको क्या करेंगे, 10/3 कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। और ये हो गया आपका सी बाई 6। तो अब आपका आंसर क्या होगा, अब ये 3 है नीचे है ना, इसको इससे इंटू कर देना, इसको इससे इंटू कर देना, और आंसर हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 10, और ये हो गया 6 3 18। तो ए बी सी का रेशियो मिला आपका 15, 10 और 18, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया, ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अभी परसेंटेज की और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।